दिन कहे सब सुन लेता है मेरा यार, दर्द से खुशियां चुन लेता है मेरा यार, दुनिया से वो लड़ जाता है मेरे लिए, लेकिन मुझसे हार जाता है मेरा यार। घर मुड़ के देखूं जो मैं जरा सो गाइस, सबसे पहले आपको काइनमास्टर ऐप को ओपन कर लेना है, लिंक है डिस्क्रिप्शन पर, और यहाँ पर आपको इस प्लस के आइकन पे क्लिक करना है और 9:16 रेशियो को सिलेक्ट कर लेना है, और यहाँ पर आप जिस इमेज पे स्टेटस कर रहे हो उस इमेज को यहाँ पर इंपोर्ट कर दें। तो यहाँ पर आप अपना इमेज को इंपोर्ट कर दें, तो मैं यहाँ पर एक इमेज को सिलेक्ट कर देता हूँ। तो इमेज को सिलेक्ट करने के बाद आपको उस पर टैप करना है और जितना दूर स्टेटस कर रहे हो उतना दूर आपको इसका टाइमिंग को कर देना है, और यहाँ पर आपको पैन एंड जूम के ऑप्शन पर चले जाना है और 2 फिंगर से फोटो को कुछ ऐसे करके जूम कर लेना है, और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा इक्वल का ऑप्शन, तो उस पर आपको क्लिक कर देना है, और यहाँ पर आपको वी नेट को जरूर एनेबल कर देना है, और यहाँ पर आपको एडजस्टमेंट पे चले जाना है और ब्राइटनेस को थोड़ा से माइनस कर लेना है, लाइक 5, या आप अपना फोटो के ऊपर डिपेंड करता है, आप अपना मुताबिक इसे कर दें। उसके बाद गाइज आपको इस लेयर का ऑप्शन पर चले जाना है, मीडिया का ऑप्शन पर चले जाना है, और इस पार्टिकल को यहाँ पर इम्पोर्ट कर देना है। तो इसे इम्पोर्ट करने के बाद आपको यहाँ पर फिट कर लेना है, और नीचे पर आपको ब्लेंडिंग पर चले जाना है, और यहाँ पर आपको स्क्रीन पर क्लिक कर देना है। तो उसके बाद आपको इस लेयर का ऑप्शन पर चले जाना है, और यहाँ पर आपको मीडिया का ऑप्शन पर चले जाना है, और आपको यहाँ पर इस टेक्स्ट को इंपोर्ट कर देना है। तो इसे इंपोर्ट करने के बाद आपको इसे एंड टाइम तक कर देना है, और इसे आपको कुछ ऐसे करके रोटेट कर लेना है, आप जितना चाहते हो रोटेट करना, और उसके बाद आपको इसे यहाँ पर रख देना है, और इसे आपको कुछ फूल कर देना है और थोड़े आपको ऐसे रोटेट कर लेना है, और यहाँ पर आपको इसका ओवरऑल एनिमेशन पे चले जाना है, और यहाँ पर आपको फ्लोटिंग पे क्लिक कर देना है। उसके बाद फ्रेंड्स आपको इस लेयर का ऑप्शन पे फिर से चले जाना है, मीडिया का ऑप्शन पे चले जाना है, और इस बॉर्डर का लिंक है डिस्क्रिप्शन पर, तो आपको उसके बाद इस बॉर्डर को यहाँ पर इंपोर्ट कर देना है। और अगर फ्रेंड्स डाउनलोड करने में आपको प्रॉब्लम आ रही है, तब आप हाउ टू डाउनलोड वीडियोज़ देख सकते हैं, वीडियो का लिंक है डिस्क्रिप्शन पर, और यहाँ पर उसके बाद आपको क्लिक करना है और इसे आपको फिट कर लेना है कुछ ऐसा। तो यहाँ पर उसके बाद आपको बार्स इंपोर्ट करना है, तो बार्स बनाने के लिए आपको एवी प्लेयर का मदद लेना पड़ेगा। तो एवी प्लेयर ऐप को ओपन करने के बाद आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलता है, तो इस ऐप का लिंक है डिस्क्रिप्शन पर, और उसके बाद आपको इस बॉक्स का आइकन पे क्लिक कर देना है, और यहाँ पर आपको लोड फ्रॉम फाइल पे क्लिक कर देना है, और मैं एक विजुलाइजर का लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन पर, तो आपको इस विजुलाइजर को यहाँ पर इंपोर्ट करना है। अगर विजुलाइजर इंपोर्ट नहीं हो रहा है तो आपको किसी को व्हाट्सएप पे शेयर करना है, देन वहाँ से उस पर क्लिक करना है विजुलाइजर पे, और ओपन विथ एवी प्लेयर पे क्लिक कर देना है, या आप इस 3 लाइन पे क्लिक करके यहाँ से फाइल मैनेजर से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं विजुलाइजर को सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो जब भी आप विजुलाइजर को सिलेक्ट करोगे वो सबसे लास्ट बॉक्स रहता है, तो उस बॉक्स का आइकन पे आपको क्लिक कर देना है, और यहाँ पर आपको इस 3 लाइन पे क्लिक करना है, लाइब्रेरी पे चले जाना है, और आपके मोबाइल पे जितने सारे सॉन्ग हैं सब यहाँ पर अवेलेबल है, जिस सॉन्ग पे आप स्टेटस करना चाहते हो उस सॉन्ग को यहाँ पर सिलेक्ट कर लें। फिर से आपको इस 3 लाइन पे क्लिक करना है, विजुलाइजर पे चले जाना है, और यहाँ पर मैं आपको प्ले करके दिखा देता हूँ। तो ऐसा फैसिलिटी आपको काइनमास्टर पे देखने को नहीं मिलता है, इसीलिए मैं एवी प्लेयर का मदद लेता हूँ। तो कुछ बार्स आपका सॉन्ग को ऊपर मूव करेगा, तो यहाँ पर आप जिस सॉन्ग पे बना रहे हो उस सॉन्ग को यहाँ पर सिलेक्ट कर लें, और यहाँ पर आपको इस डाउनलोड का ऑप्शन पे क्लिक करना है, और यहाँ पर आपको चूज प्रीसेट पे क्लिक करना है, 720 पिक्सल पे क्लिक कर देना है, और यहाँ पर आपको टाइप करना है 1080, और यहाँ पर आपको टाइप कर लेना है 1920। उसके बाद आप इसका टाइमिंग को सेट करके इसे एक्सपोर्ट कर लें। तो उसके बाद आपको फिर से काइनमास्टर पे आ जाना है, और जो प्रोजेक्ट आप बनाए हो वहाँ पर ही आ जाना है, और यहाँ पर लेयर का ऑप्शन पे चले जाना है, मीडिया का ऑप्शन पे चले जाना है, और जो आप एवी प्लेयर से बार्स बनाए उस बार्स को यहाँ पर इंपोर्ट करना है। तो उसे इंपोर्ट करने के बाद आपको इसे यहाँ पर फिट कर देना है, और नीचे पे आपको ब्लेंडिंग पर चले जाना है, और यहाँ पर आपको स्क्रीन पे क्लिक कर देना है, और उसके बाद आपको जो मैं पार्टिकल दिया हूँ इसका ऑडियो कर देना है म्यूट। अगर फ्रेंड्स आपका लोगो रहता है तो अच्छी बात है, वरना यहाँ पर आप लेयर का ऑप्शन पर जाके एक टेक्स्ट लिख लें और अच्छा से फॉन्ट ले लें। तो यहाँ पर मैं लोगो को इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो इसे इंपोर्ट करने के बाद आपको इसे एंड टाइम तक कर देना है, और लोगों को कुछ छोटा करके नीचे पे बार्स के नीचे पे रख लेना है। तो आपका स्टेटस बन के तैयार हो चुका है, अब मैं आपको थोड़ा सा प्ले करके दिखा देता हूँ। तो ऐसे करके सिंपली आप बना सकते हो ये वाला स्टेटस। तो अगर आपको डाउनलोड करने में प्रॉब्लम आ रही है तो आप हाउ टू डाउनलोड वीडियोस देख सकते हैं, वीडियो का लिंक है डिस्क्रिप्शन पर। तो देखने के लिए धन्यवाद, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें।